आज हम रहर की अच्छी फसल पाने के लिए उसकी कोमल कपोलों या यूं कहें उसके ऊपरी तने की तुड़ाई करेंगे। देखिए, अगर आपको अरहर की फसल की उपज अधिक लेनी है, अच्छी फसल लेनी है, तो इसके कपोलों की दो बार तुड़ाई करना बहुत आवश्यक है। कपोलों को ऊपर से 2-3 इंच ऊपर से दो बार तोड़ा जाता है। पहली तुड़ाई पौधे उगने के करीब 35 दिन बाद और दूसरी तुड़ाई उसके 1 महीने के बाद कर देनी चाहिए। इसका फायदा ये होता है कि कपोलों को तोड़ने के बाद मुख्य तने से बहुत सारी अगल बगल से शाखाएं निकलती हैं और पूरा पौधा बड़ा हो जाता है, जिसका मतलब है अधिक फल और अधिक फूल और अधिक उपज। पौधा तो बिल्कुल मस्त मस्त दिखाई दे रहा है। हाँ, मस्त इसलिए है क्योंकि हमने इसकी खेती विधि पूर्वक की है। कुछ दिन पहले उगे हुए 2 पौधों में से एक पौधा क्यों उखाड़ रहे थे? वो इसलिए कि तुम्हें याद है पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक गड्ढे में 2 बीज लगाना है। 2 बीज इसलिए लगाते हैं, एक बीज खराब हो जाए तो दूसरा निकल आए। दोनों बीज में से कोई भी खराब नहीं हुआ और दोनों निकल आए तो एक पौधा उसमें से निकालना पड़ेगा। वो इसलिए कि वहाँ एक ही पौधा होगा तो फूलने फलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगा और वहाँ पर्याप्त मात्रा में जगह मिलेगा तो हवा, पानी, खाद, पोषण ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही दीदी, दोनों पौधा एक साथ रहेगा तो दोनों ही नहीं बढ़ेगा जितना कि उसको बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही। देखिए दीदी, आपका पौधा लगभग 1.5 फीट का हो जाए तो कपोलों की तुड़ाई पहली बार करना चाहिए। 1.5 फीट मतलब एक हाथ ही ना दीदी? बिल्कुल दीदी, बीज लगाने के बाद 35 दिन के आसपास पौधा की ऊंचाई 1.5 फीट हो जाती है। कपोलों की तुड़ाई करते समय हमें सावधानी से पौधों को पकड़कर किसी धारदार हथियार जैसे चाकू, कैंची या फिर ब्लेड से 2 इंच ऊपर से काटकर अलग कर देना चाहिए। जैसे हम चना में करते हैं वैसा ही ना करनी है दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि पौधा को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और पौधा उखड़ न जाए। ये सारे पौधों की कपोलों की तुड़ाई हो गई है? हाँ, आज से लगभग 1 महीने के बाद नई शाखाओं की कपोलों की तुड़ाई करेंगे। जैसा हम अभी किए हैं वैसा ही ना करना होगा दीदी? हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही, जब हम कपोलों की तुड़ाई करेंगे तो बगल से नई शाखाएं निकल आएंगी। इससे हमारा पौधा बड़ा और घना भी हो जाएगा। कपोलों की दोनों तुड़ाई के बाद रहर के पौधों में जीवामृत का प्रयोग बहुत जरूरी है। प्रति पौधे 100 मिलीलीटर यानी लगभग 1 कप जीवामृत का प्रयोग पौधों की जड़ों के पास डालकर करें। ध्यान रहे, जीवामृत के प्रयोग से पहले पौधों के जड़ों के पास नमी हो और जीवामृत डालने से पहले जड़ों के आसपास की मिट्टी को भुरभुरी कर लें। कपोलों की तुड़ाई के बाद जीवामृत के प्रयोग से पौधों को भरपूर पोषण मिलेगा और उसमें अधिक संख्या में शाखाएं निकलेंगी।